फ्लाइंग साइकिल। पिंटू कई दिनों से परेशान था। पिंटू की गर्लफ्रेंड ना फोन उठा रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। पिंटू ने अपने दोस्त सोनू को फोन लगाया। हेलो सोनू, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? तू सोनू है? अरे मैं सोनू हूँ, मुझे पता है, लेकिन तू कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। अरे मेरे बाप, मैं का कोई नाम भी तो होगा। मेरा नाम पिंटू है, मैं सुभाष नगर में रहता हूँ। मेरी सोनू से पिछले 9 साल से दोस्ती है। बस मैं समझ गया, मेरे मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया है, इसीलिए किसी की आवाज पहचान में नहीं आ रही है। फालतू की बातें छोड़ो यार, सोनम कहाँ है? न फोन उठा रही है न रिप्लाई कर रही है। मेरे फोन की बैटरी 5% बची है, लाला राम डेयरी वाले दुकान पर मिल। पिंटू लाला राम डेयरी वाले की दुकान पर जाता है। उसे सोनू तो नहीं मिलता, लेकिन सोनम मिल जाती है। लाला राम काका, 1 किलो सफरेडा वाला दही देना। सोनम गुप्ता, क्या तुम बेवफा हो? शादी नहीं करोगी मुझसे? मेरा बचपन से सपना है कि मैं आकाश में उड़ूं, इसलिए किसी हाई जंप वाले से शादी करूंगी। पिंटू घर जाकर सोचने लगता है कि मैं उड़ू कैसे, मेरे पास तो सिर्फ साइकिल है। पिंटू देखता है कि गली में एक आदमी गैस के गुब्बारे बेच रहा है। पिंटू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि अगर मैं ढेर सारे गुब्बारे अपनी साइकिल पर लगा दूं, तो हो सकता है कि साइकिल उड़ने लगे। पिंटू गुब्बारे वाले के पास जाता है और उसके सारे गुब्बारे और सिलेंडर खरीद लेता है। पिंटू ढेर सारे बैलून अपनी साइकिल पर लगा देता है और साइकिल को डायरेक्शन देने के लिए एक छाता भी ले लेता है। साइकिल उड़ने लगती है। छाते से डायरेक्शन देते हुए पिंटू सीधे अपनी गर्लफ्रेंड सोनम के घर पर लैंड करता है। लैंड करते समय हवा चल जाती है और पिंटू की साइकिल सीधे सोनम के पापा के ऊपर गिर पड़ती है। अरे मर गया रे, कौन सा पक्षी गिर पड़ा? अंकल जी, मैं हूँ पिंटू। सोनम भी वहाँ आ जाती है। तो इस तरह कौवे की पोटी की तरह ऊपर से गिरने की क्या जरूरत है? अंकल जी, मैं सोनम से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस तरह आना पड़ा। सोनम, क्या तुम कौवे की तरह उड़ने वालों से शादी करना चाहती हो? सोनम, अब मेरे पास उड़ने वाली साइकिल है, चलो इसकी सवारी करके देखो। पापा, मैं अभी आती हूँ। पिंटू और सोनम साइकिल पर बैठकर उड़ जाते हैं। अरे वाह, हम बादलों में उड़ रहे हैं और पक्षी हमारे आसपास लड़ रहे हैं। अरे यहाँ कितनी ठंड है। तभी एक चील उनके पीछे पड़ जाती है। चील उनके सिर पर चोट मारती है। पिंटू चप्पू की तरह अपने दोनों पैर तेजी से चलाता है। काफी देर बाद चील उनका पीछा छोड़ती है। चलो अच्छा हुआ उस चील से पीछा छूटा, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तब हम चंद्रमा को बहुत करीब से देख पाएंगे और शायद मैं आकाश में उड़ती हुई परियों को भी देख पाऊं। लेकिन तभी वहां एक हवाई जहाज आ जाता है। हवाई जहाज साइकिल से टकराने ही वाला होता है कि सोनम गुब्बारे में पीन भोग देती है। पीन भोगते ही साइकिल एकदम से नीचे की ओर गिरती है। एक आदमी नदी में स्नान कर रहा होता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, आवाज कैसी भी हो लेकिन गाना चाहिए, लुका की अम्मा को पटाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तभी अचानक से साइकिल सोनम और पिंटू तीनों उस आदमी पर गिरते हैं। आदमी चिल्ला पड़ता है, हे भगवान बचाओ। मैजिकल बाइक। रोहन 12th क्लास में पढ़ता था। रोहन का स्कूल घर से काफी दूर था, इसीलिए वह अक्सर स्कूल के लिए लेट हो जाता। मैं आई कमिंग सर। आज फिर से लेट आ रहे हो। सर, इसका घर गांव में है, बैलगाड़ी से आता है। शोर नहीं, चलो बैठो। स्कूल की कैंटीन में रोहन मेघना से बातें कर रहा था। तभी सचिन अपनी स्टाइलिश बाइक लेकर वहां आ जाता है। मेघना, इस गरीब चपड़ गंजू के साथ क्या कर रही हो? सलमान खान की नई मूवी लगी है, चलो देखने चलते हैं।
सचिन मेघना को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। कभी कभी जब रोहन स्कूल से घर लौटकर जा रहा होता है तो सचिन और उसके दोस्त अपनी अपनी बाइक से आ जाते और रोहन को परेशान करते। एक दिन जब रोहन घर लौट रहा था तो सचिन और उसके दोस्त बाइक से आते हैं और रोहन का स्कूल बैग लेकर भाग जाते हैं। अरे रुको, मेरा बैग कहाँ लेकर जा रहे हो? रोहन उनका पीछा करता है। सचिन और उसके दोस्त जंगल वाले रास्ते पर चले जाते हैं और रोहन के बैग को फाड़ चीर कर किताब इधर उधर फेंक देते हैं। रोहन जंगल पहुंचता है और रोते हुए अपनी बुक्स वगैरह इकट्ठी करता है। हे भगवान, अब मैं नया बैग कहां से खरीदूंगा? तभी रोहन को जंगल में एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट जलती हुई दिखाई देती है। रोहन पास में जाकर देखता है, बाइक से आवाज आती है। मैं एक ऑटोमेटिक वॉइस कमांड मैजिकल बाइक हूँ। मेरा मालिक जिन्होंने मुझे बनाया था मर चुका है। मैं किसी अच्छे इंसान की तलाश में हूँ, क्या तुम मुझे अपनाओगे? लेकिन मुझे बाइक चलाना नहीं आता। तुम उसकी चिंता मत करो, बस मेरे ऊपर बैठ जाओ। रोहन बाइक पर बैठ जाता है। बाइक स्टार्ट हो जाती है। दोनों हाथों से बाइक का हैंडल पकड़ लो और उस जगह का नाम बताओ जहाँ जाना है। किशनपुर गाँव में मेरे घर ले चलो। बाइक तुरंत तेज स्पीड से रोहन को घर की ओर ले जाती है। माँ देखो मुझे जंगल में क्या मिला, एक मैजिकल बाइक। बहुत अच्छी बाइक है बेटा, बता आज खाने में क्या बनाऊं? खाना बनाने की जरूरत नहीं है माँ, जो भी बनाना है उस डिश का नाम बोलिए। गोभी आलू। बाइक के पेट्रोल वाली टंकी खुलती है और एक प्लेट बाहर आ जाती है। अरे वाह, ये बाइक तो कमाल की है। अगले दिन रोहन अपनी मैजिकल बाइक से ही स्कूल जाता है और मेघना को अपनी बाइक दिखाता है। लगता है गरीब चपड़ गंजू ने बाइक खरीद ली है, बहुत शो ऑफ कर रहा है, चल इसे मजा चखाते हैं। सचिन जाता है और रोहन की बाइक पर अपना पैर रखकर जूता का फीता बांधने लगता है। क्या तुम कहीं और फीता नहीं बांध सकते? ये खटारा बाइक तुझे कहां मिल गई? इसे खटारा मत बोल, तेरी इतनी हिम्मत? आत्मरक्षा की जरूरत। बाइक से दो हाथ निकलते हैं और सचिन को पटक देते हैं। रोहन मेघना को लेकर बाइक से चला जाता है। सचिन को बहुत गुस्सा आता है, वह तुरंत भागकर कहीं जाता है। रोड पर रोहन मेघना को बाइक पर पीछे बैठाकर ले जा रहा होता है। सचिन एक दोस्त के साथ रोड पर एक पतली सी रस्सी डाल देता है। जैसे ही रोहन की बाइक रस्सी के पास आती है, सचिन और उसका दोस्त रस्सी टान देते हैं। बाइक पलट जाती है, रोहन और मेघना हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं। वह दोनों जमीन पर गिरने ही वाले होते हैं तभी बाइक से दो हाथ निकलते हैं और रोहन और मेघना को कैच करके बाइक पर बिठा देते हैं। फिर बाइक मुड़ती है और बाइक के हाथ सचिन और उसके दोस्त को अंडे और टमाटर फेंक फेंक कर मारते हैं। सचिन और उसके दोस्त जोर से भागते हैं। ऑटो ड्राइवर जोगिंदर सिंह दिल्ली में ऑटो चलाता था। जोगिंदर स्टेशन पर खड़ा हो जाता है और जोर से आवाज लगाता है, 50 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी, 50 रुपए 50 रुपया। तभी एक मोटा सा आदमी अपनी मोटी सी पत्नी के साथ जोगिंदर के पास आता है। भैया चांदनी चौक चलोगे, लाल किला घूमना है? चलूंगा। पहले औरत ऑटो में बैठ गई, लेकिन जैसे ही आदमी बैठा दूसरी तरफ से औरत ऑटो के बाहर गिर पड़ी। फिर औरत वापस बैठी तो आदमी निकलकर बाहर गिर गया। जोगिंदर सिंह बोला, आप लोगों का साइज देखकर तो लगता है कि पीछे वाली सीट पर कोई एक ही बैठ पाएगा। भाई साहब आप ऑटो चलाइए, मैं पीछे आपकी पत्नी के साथ बैठ जाता हूँ। पतला हूँ ना, इसलिए आपकी पत्नी के साथ एकदम फिट हो जाऊंगा। आदमी जोगिंदर की खूब पिटाई करता है। जोगिंदर ऑटो के ऊपर बैठ जाता है और आदमी ऑटो चला रहा होता है। जोगिंदर बार बार ऊपर से ऑटो से आवाज लगाता है, भाई थोड़ा हल्के चलाइए वो, अरे मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। लाल किले पर पहुंचकर आदमी एक बार ब्रेक मारता है। जोगिंदर एकदम से लुढ़क के नीचे गिरता है। अरे कितने पैसे हुए? भाई साहब जितने पैसे हैं दे दो, मेरी शादी है, मुझे जल्दी जाना है। अरे जब आज शादी है तो ऑटो चलाने क्यों आए हो? अरे भाई साहब शादी के बाद ही तो आदमी का खर्चा बढ़ता है, इसलिए शादी से पहले ही कुछ पैसे कमा ले रहा हूँ। जोगिंदर अपनी शादी के मंडप में ऑटो लेकर पहुँचता है। पंडित जी जल्दी जल्दी। अरे बेटा
जब मैं तुम्हारी शादी करवा दूं, तो ऑटो से जरा मुझे घर तक छोड़ आना, बहुत पुण्य मिलेगा। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। ऑटो वाला अपनी पत्नी के पास में बैठा होता है। थोड़ा सट कर बैठो ना, अभी एक और आदमी बैठ जाएगा। दुल्हन जोगिंदर की खूब पिटाई करती है। अगले दिन जोगिंदर ऑटो चलाने जाता है तो तीन शराबी उसके ऑटो में आकर बैठ जाते हैं। अरे अमेरिका ले चलो। अबे अमेरिका तो यहीं घूम कर आए, अभी इटली ले चलो। क्या तुम दोनों पागल हो, इतने आस पास ही जाना है तो ऑटो की क्या जरूरत है, पैदल ही चलते हैं। दोनों ऑटो वाले, आजकल स्पेस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा है, चांद पर चल, 100-200 रुपए एक्स्ट्रा ले लियो, अब तो चांद पर ही पार्टी करेंगे। ऑटो वाला कुछ देर ऑटो चालू कर लेता है, फिर बोलता है, हाँ भाई साहब आ गए। इसके बाद पहला शराबी उसे पैसे देता है, दूसरा थैंक यू बोलता है और तीसरा उसे जोरदार चाटा मारता है। ऑटो वाले को लगा कि उसको पता चल गया है कि उसने ऑटो बस स्टार्ट करके बंद कर दिया है। क्यों मारा भाई, इतनी तेजी से चलाकर क्यों लाया, मेडिकल स्टोर पर रुका क्यों नहीं, मुझे फेस मास्क लेने थे, अगर यहाँ चांद पर भी कोई कोरोना वायरस हुआ तो। शराबी से चाटा खाकर जोगिंदर का मूड खराब हो जाता है। एक आदमी रोड पर बहुत धीरे धीरे बीच में चल रहा होता है। जोगिंदर हॉर्न बजाता है लेकिन आदमी उसकी सुनता ही नहीं। बहुत देर बाद आदमी को सुनाई देता है। अरे सुनाई नहीं देता क्या, इतनी बार बजा रहा हूँ, इस बार ट्रक वाला हॉर्न लगाऊंगा। तभी एक लड़की रुकवाती है। ब्रो झुमरी तलैया छोड़ दोगे? मैं आपको पकड़ा ही कब हूँ जो आपको छोड़ दूंगा। अरे मेरा मतलब है, ले चलोगे मुझे वहाँ की नहीं? हाँ हाँ ले चलेंगे, बैठो। जोगिंदर रास्ते के बीच में एक जगह ऑटो रोक देता है। क्या हुआ, ऑटो क्यों रोक दिया? मैडम बस एक मिनट, बहुत तेजी से सुसू आ रही है। जोगिंदर जंगल में सुसू करने जाता है, वो लाल शर्ट पहना होता है। तभी कुछ देर बाद अचानक से जोगिंदर दौड़ता हुआ बाहर निकलता है, उसके पीछे एक सांड पड़ गया होता है। जोगिंदर जल्दी से ऑटो में बैठ जाता है, ऑटो स्पीड से दौड़ता है। कुछ देर बाद लड़की उतरती है और पैसे देकर जाने लगती है। तभी मैडम एक मिनट, आपका मेरा बॉयफ्रेंड है? मैं नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपका पर्स गिर गया है, ऐसे कमाई नहीं बढ़ रही, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। जोगिंदर अपने ऑटो के ऊपर एक छोटा सा रूम बनाता है जिसमें एसी लगाता है। जोगिंदर स्टेशन पर खड़े होकर, आइए एसी वाले का रूम सफर करिए, मात्र 1000 रुपए, आइए आइए आइए। तभी एक मोटा सा आदमी जोगिंदर के पास आता है। मैं चलूंगा एसी वाले रूम में। आदमी सीढ़ी से ऑटो के ऊपर चढ़ता है। भाई साहब संभाल के थोड़ा। दूसरी बार में जब चढ़ता है तो सीढ़ी टूट जाती है। तीसरी बार में जोगिंदर अपने कंधों पर उस मोटे से आदमी को बैठाकर एसी वाले रूम में पहुंचाता है। जोगिंदर ऑटो चला के जा रहा होता है और आदमी एसी वाले रूम में बैठा होता है। बार बार बहुत झटके लगते हैं। अरे भाई थोड़ा हल्के चलाओ। फिर पूरा एसी रूम गिर पड़ता है और पूरा रूम ऑटो से नीचे गिर जाता है। आदमी जोगिंदर की खूब पिटाई करता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।